आज हम जानेंगे ग्रेट स्लैब क्या होता है। ये एक जिस तरीके से स्लैब होता है वैसा ही ग्रेट स्लैब होता है जो कि फ्लोर पे डलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 8 mm का स्टील है और 300 बाय 300 के स्पेसिंग में ये बंधा हुआ है। 300 बाय 300 के स्पेसिंग में ये पूरा बंधा हुआ है, यहाँ से वो पूरा लास्ट तक। ये बेसमेंट का है स्लैब, बेसमेंट का ग्रेट स्लैब है। तो यहाँ पे हमने पहले नीचे में पीसीसी कर रखी है सबसे नीचे में, उसके बाद हमने ग्रेट स्लैब बांधा है। अब यहाँ पे हम जो स्लोप देना है इस तरफ से कि 4 इंच रहेगा और ये आके इस तरफ से इस वाले ड्रेन में ऐसे स्लोप जैसा रहेगा, स्लोप जैसा इधर से ऊपर। इधर से मान लो 5 इंच है तो इस तरफ आकर के 3 इंच ये ऐसे स्लोप जैसा होके इस तरफ जा करके जो भी ड्रेन का जो भी पानी आएगा, मतलब इस वाले ऊपर से जो भी पानी आने वाला है तो ये स्लोप होकर के इस तरफ को चला जाएगा। ग्रेट स्लैब है, इसको हम डालने वाले 4 इंच थिकनेस है इसका। इसे जो ये लेफ्ट की तरफ देख पा रहे हैं, लेफ्ट तरफ रहेगा 5 इंच और इस तरफ ये जो दिख रहा है चैनल लगा है, इस तरफ आकर के इसको मिलाना है, इसमें मिलाना है, इसके टॉप में, उसके टॉप में इसको मिला देना है। उस तरफ 5 इंच आएगा उस साइड पर। इस तरफ आते आते ये 3 इंच 3.5 इंच जैसे है। और ग्रेट स्लैब इसलिए करते हैं क्योंकि फ्लोर इससे बैठे ना, क्योंकि ये बेसमेंट है, यहाँ पे गाड़ियाँ आनी है। तो इसके लिए हम पहले पीसीसी कर दिए, इसके बाद स्टील बांध दें, 8 mm का बांध दें और इस पर 4 इंच का ग्रेट स्लैब डाल देंगे पूरे में, पूरे बेसमेंट पर। यहाँ पर जो बेसमेंट का जो ये ड्रेन है बीच पे जो दिख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड का जो स्लोप रहेगा वो इस तरफ रहेगा और राइट साइड का स्लोप इस तरफ रहेगा, जो कि जो पानी अगर बरसात का टाइम जो पानी ऊपर से आएगा उस तरफ से तो यहाँ बहेगा, तो ये ड्रेन से उधर से ऐसे बहते हुए वहाँ पे बना है सम्प को दिखाता हूँ मैं जाके। ग्रेट स्लैब डालते टाइम जो रेशियो रहता है वो M20 स्टार्ट होता है, M20 M25 से ऊपर तक हम ग्रेट स्लैब डालते हैं।